यहाँ जो दवाई बताने वाला हूँ वो दवाई आप लेते हैं तो शराब का मजा ही किरकिर हो जाता है और आदमी शराब छोड़ देता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति धन्य महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्कोहल एडिक्शन के हम ट्रीटमेंट करते हैं। शराब भी जब छोड़ने आता है तो पहले 5 दिन 6 दिन बहुत ही क्रूशियल रहते हैं कि उसमें उसको डिटॉक्स करना पड़ता है, मतलब उसकी शराब निकाल देना पड़ता है बॉडी से। तो उस समय उसको फिट आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं रखता, पसीना बहुत आता है, तो उसको डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तब यूजुअली जिसको छोड़ना है उसको हम 5-6 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रखते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं, सलाइन देते हैं, आईवी फ्लूइड्स। और एक बार उसने शराब छोड़ के 5-6 दिन 1 हफ्ता हो गया, बाद में हम चालू करते हैं अलग अलग दवाइयाँ, जैसे डायसल्फिराम है, अकैम्प्रोसन, नैलट्रॉक्सोन है। मैं आज नैलट्रॉक्सोन की बात कर रहा हूँ। यह नैलट्रॉक्सोन जो है, ये गोली 50 मिलीग्राम की आती है, गोली है ये, इसका इंजेक्शन भी मिलता है, आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और ये गोली पेशेंट को रोज़ 2 देने का है, 1 सवेरे 1 शाम को। ये गोली क्या करती है, ये गोली ब्रेन के ऊपर काम करती है और ओपिएट रिसेप्टर्स जो है, ब्रेन के ओपिएट रिसेप्टर्स जो है उसको ये पकड़ लेती है। ब्रेन में ओपिएट रिसेप्टर्स रहते हैं, उनको ये पकड़ लेती है और फिर ओपिएट की जो, मतलब उसकी जो एक्शन है वो एक्शन को ब्लॉक कर देती है, रिसेप्टर को पकड़ लिया, मतलब ओपिएट की एक्शन ही होती नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि शराब पीने के बाद में जो मज़ा आता है, प्लेजर फीलिंग लगता है, अच्छा लगता है, वो आते ही नहीं। आदमी को लगता है यार मज़ा नहीं आया शराब पी के, तो शराब पीना छोड़ देता है क्योंकि उसको शराब पी के मज़ा नहीं आ रहा। अभी डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर एक्शन हो गई, जो प्लेजर सेंटर है उसको ब्लॉक कर दिया, अभी शराब पीने से प्लेजर ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से उसका फ़ायदा होता है। एक स्टडी के अनुसार 80% लोगों को इसका फ़ायदा हो गया। तो 100 मिलीग्राम मतलब 2 गोलियां डेली 16 हफ्ते देने का है, मतलब 4 महीने देने का है कंटिन्यूसली। और एक बार वो दे दिया कंटिन्यूसली तो फिर बाद में शराब पीने की इच्छा होती नहीं है, पिया तो मज़ा नहीं आती है, बाद में आदमी धीरे धीरे शराब छोड़ देता है। ये दवाई से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मामूली सी ऐसी नींद आ सकती है थोड़ी सी, या चक्कर आ सकती है, मामूली सी आ सकती है। और ऐसा कुछ रहा कि आपको नींद आ रही है दवाई से तो ड्राइविंग नहीं करने का है। ये दवाई से बीपी बढ़ सकता है, तो जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है उनको दवाई संभाल के लेना चाहिए, मतलब अंडर डॉक्टर सुपरविजन। अदरवाइज ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी कॉस्ट जो है गोली की वो 7 से 10 रुपये तक है, अलग अलग कंपनियों की आप ले सकते हैं। मैं यूजुअली डायसल्फिराम, अकैम्प्रोसेट और नैलट्रॉक्सोन ऐसा कॉम्बिनेशन देता हूँ तीनों का भी, क्योंकि तीनों की एक्शन जो है वो अलग अलग है। और तीनों की एक्शन जब हम बॉम्बार्डिंग करते हैं ना तो आदमी शराब पीता नहीं है। शराब बहुत ही ज़्यादा घातक है। शराब अंदर से पूरा आपका डब्बा बजा देती है, बैंड बजा देती है, बाहर से मालूम नहीं पड़ता है मगर ब्रेन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है और फिर लीवर खराब करके आदमी को ख़त्म कर देती है। शराब छोड़ने के लिए इलाज उपलब्ध है हमारे पास में। आशा किरण हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट को 5-6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए भर्ती करते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं, उस समय उसको सलाइन देना, आईवी फ्लूइड्स मतलब इंजेक्शन देना, टॉनिक्स, विटामिन देना। और एक बार उसकी जो क्रेविंग है, उसका जो विड्रॉल सिम्टम है वो निकल गया, बाद में फिर हम दवाई चालू करते हैं, उसके साथ साथ साइकोथेरेपी, उसको हम बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करो, फैमिली थेरेपी देते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं और उसको शराब से दूर रहने के लिए मदद करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग मतलब हमारे तरफ आने वाले जो मानसिक रुग्ण हैं उसमें से 60-70% लोग शराब पीते हैं। मजदूर लोगों में शराब पीते हैं, उनको लगता है कि मजदूरी हम करते हैं, दर्द होता है, शराब पी के सो जाना। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रमाण पाया गया है शराब पीने का, वैसे मिलिट्री में तो सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध है। पता नहीं ब्रिटिशकालीन लोगों ने, मतलब ब्रिटिश लोगों ने ऐसा क्यों चालू किया कि मिलिट्री में बहुत सस्ते में शराब मिलती है। मतलब एक मुझे मिलिट्री के ऑफिसर मिले, कर्नल लेवल के हैं, और उन्होंने बताया कि मैं तो खुद पीता नहीं हूँ मगर इतनी शराब मिलती है हमको, तो उसका करना ही क्या, इतने सस्ते में, मतलब पानी से भी सस्ते में मिलती है। और फिर हमारे यहाँ जो काम करने के लिए लोग आते हैं, बोलते हमको पैसा मत दो, हमको वो शराब ही दे दो बॉटल एक, इतना सस्ता है शराब मिलिट्री में। तो ये बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ये नोट डाउन कर दिया कि भाई मिलिट्री में क्यों होना है इतनी सस्ती शराब, कितने सारे जवान पीते हैं, तो ये बंद होना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, ताकि ये मेरा मत और आपका मत ये हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाएगा और कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।